नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वाना सफ़र में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से खेत में और खेत से ही अपना ब्लॉग शुरू करते हैं हम। तो भाई बहुत बढ़िया हो गया, कल रात बहुत बारिश होने की वजह से खेत डबाडब भर गए हैं पानी से। जो दरारें आई थी पानी से, अब पूरी भर चुकी हैं। तो आइए सुबह सुबह हम आएँ खेत। सुबह के 6:30 बजे हैं, सनराइज़ हो रहा है। ये देखिए सुबह सुबह सनराइज़ हो रहा, और ये देखिए कल रात बारिश होने की वजह से सब पूरा खेत में पानी ही पानी हो गया है, और बहुत बढ़िया तरीके से पानी भर चुका है। नहीं तो इसमें दरारें देखी होंगी आपने पिछली वीडियो में, बहुत ज़्यादा दरारें हो गई थी बारिश ना होने की वजह से। लेकिन कल रात बहुत बारिश होने की वजह से ये देखिए पानी डबाडब पूरे खेत में भर चुका है। सब जगह देखिए पूरे खेत में पानी डबाडब भर गया है और दरारें ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसे ही एक दो दिन छोड़ के बारिश होती रहे, आज तो खैर धूप निकली है। ये देखिए सनराइज़ हो रहा, सनराइज़ निकलता हुआ। अभी 6:30 बजे हैं और हम खेत से ही ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं, और लगभग सभी जगह पानी भर चुका है। कितनी दरारें आ गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था इस खेत का, लेकिन बारिश होने की वजह से फिर से सही हो गया है, हरा भरा हो गया है खेत की। देखो दूर तक देखिए हरियाली कितना अच्छी लगती है सुबह सुबह, और हरियाली से ही नेचर का नज़ारा नज़र आता है, बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है नेचर का। और फिलहाल तो धान ठीक चल रहा है, अभी कोई रोग नहीं है, लेकिन इस पर खाद पानी डाला जाएगा। इतना सुंदर मौसम दिखाई दे रहा है सुबह सुबह का, दूर तक मेरे अलावा सुबह सुबह इस समय कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, कहीं भी दूर तक कोई एक आदमी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह हुआ है और हम आज सुबह ही उठ गए थे तो खेत घूमने आए। वीडियो में बने रहिए, और आज हम जाने वाले हैं बाजपुर, और बात छोड़ के दिखाएंगे सुंदर नज़ारे। तो बने रही वीडियो में। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोले आ रहे हैं भाई, भोले कांवड़ लेके आ रहे हैं। डाक कांवड़ ज़्यादा प्रचलित है आजकल, डाक कांवड़ आ रही है और चल ही रहे हैं भोले, डाक कांवड़ ज़्यादा प्रचलित है। ये देखिए भाई डाक कांवड़, देखिए दोस्तों आ रही है डाक कांवड़, और ये दूसरी डाक कांवड़ है गांव की मंदिर की। तो ये देखिए आगे आगे डीजे बजते जा रहे हैं, और पीछे पीछे भोले आ रहे हैं। एक जने के हाथ में डाक कांवड़ है और चले आ रहे हैं। बस पास में ही शिव मंदिर है जहाँ पे ये डाक कांवड़ चढ़ाई जाएगी, और हरिद्वार से ये जल लेके लौट रहे हैं डाक कांवड़ के साथ में। कुल मिला के आज का दिन सही रहा भाई, और आज बाजपुर जाना हुआ नहीं, तो हम इस वाले ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और शाम के इस समय बज रहे हैं 5, तो शुरुआत भी हमने खेत से ही करी थी और लास्ट भी हम खेत से ही कर रहे हैं।
क्योंकि इस समय बजे हैं 5, दिखाते हैं आपको। ये देखिए सूरज छिपने पे है और 5 बजे हैं शाम के, और हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।